भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न हुई गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2019 का भव्य आयोजन होगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस बार विख्यात गायक गुरदास मान और मशहूर फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल व कई फिल्मी हस्तियाँ शिरकत करेंगी। ये सभी कलाकार सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन 23 नवंबर से 10 दिसंबर 2019 तक किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस बार इस महोत्सव में 28 राज्यों के तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों के विश्व प्रसिद्ध लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस संबंध में आयोजक कमेटी के अधिकारियों ने केडीबी सदस्यों को कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित सभी तैयारियां समय रहते पूरा कर लें ताकि समय पर कोई समस्या ना आए। इस वर्ष गीता महोत्सव 23 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक कार्यक्रम होंगे कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर तट पर। इसके अंदर 3 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक मुख्य कार्यक्रम, जिसमें बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और यूनिवर्सिटी का सेमिनार, इस तरीके से जो मुख्य आयोजन होते हैं वो 3 से 8 दिसंबर के बीच में रहेंगे। और इस बार के कार्यक्रमों में बहुत सी नयापन है, बहुत विशालता है, विराटता है, इस तरीके से ये कार्यक्रम तय किए गए हैं और उनकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। अब आखिरी समय की जो तैयारियां होती हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर आयोजन की जितनी समितियां हैं, जितने जो लोग हैं, प्रशासन है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का प्रशासन है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं और सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हैं। कौन सी हस्तियां आने की उम्मीद है? देखिए, अभी निश्चित होना है, हरियाणा सरकार अभी बन रही है, साथ ही साथ जो केंद्रीय जो हमारा सरकार है वो 3 दिसंबर तक जो है लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलने वाली है। तो ये अभी मुख्य जो लोग हैं उनके से बातचीत हो रही है और वो कुछ दिनों में पता चलेगा कि कौन कौन लोग इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ाएंगे। अभी अमीषा पटेल और गुरदास मान जी की बात। जी हाँ, वो सांस्कृतिक उसके कारण से अभी तक 2 नामों की सहमति आ गई है, जिसके अंदर गुरदास मान जी आएंगे 3 तारीख को और अमीषा पटेल का कार्यक्रम रहेगा, उसके अंदर रुक्मणी विवाह, कृष्ण रुक्मणी विवाह की प्रस्तुति वो यहाँ पर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना तो विदेशों से भी जो बुलाए जा रहे हैं? हाँ जी, कुछ कलाकार आ रहे हैं, वो सब अभी चल रहा है प्रोसेस के अंदर, जल्दी वो सब कुछ आ जाएगा। कुछ क्राफ्ट पर्सन भी आ रहे हैं, तो जो है देश से और बड़े सारे लोग, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो जो जो भी सब लोग आ रहे हैं वो धीरे धीरे सब फाइनल होता चला जाएगा। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।